नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट आई में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा संजय सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में, डेरा संजय सौदा के बारे में। हेलो बच्चे, क्या नाम है आपका? पिंकी। कहाँ से आई हैं? ओटू से। कितना समय हो गया आपको डेरे में आते हुए? मैं बचपन से आ रही हूँ यहाँ पर। आप बहुत छोटे से और आप बचपन से आ रहे हो? हाँ जी। तो आप क्या जानती हैं गुरुजी के बारे में? गुरुजी के बारे में यही जानती हूँ कि वो सबका भला करते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब हर एक का भला करते हैं, बस यही है। क्या आप, देखो छोटे से हो पर क्या आपने कभी यहाँ कुछ गलत देखा? मैंने यहाँ पर कोई गलत नहीं देखा। क्या किसी के साथ, आपके फैमिली में किसी के साथ या किसी के साथ भी कभी कुछ गलत हुआ है यहाँ पर? मेरी फैमिली के साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। मेरी मम्मी को ना करंट लगा था और पिताजी ने उनको बचाया था। अच्छा, तो आपको भी विश्वास है गुरुजी पर? हाँ, बहुत विश्वास है। यहाँ पर क्या सिखाया जाता है जो आपको यहाँ पर आती हैं? क्या आपको क्या सिखाते थे गुरुजी यहाँ पर जब आप आती थी? गुरुजी सिखाते हैं कि किसी को मारो, मतलब ऐसे मत करो, किसी का बुरा मत करो, यही सिखाते हैं। यही बातें सिखाई जाती हैं, किसी का बुरा। तो आप कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? मैं बचपन से आ रही हूँ, छोटे से होते जब 5 साल की मैं तब से आ रही हूँ। आपकी पूरी फैमिली आती है या अकेले आते हो? मैं और मेरी मम्मी, हमारा सारा परिवार आता है। सारा परिवार आता है, मतलब आपको अकेले भी आने दिया जाता है? हाँ, आने दिया जाता है। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? क्या सरकार को क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी सरकार को? सरकार तो बस यही है कि मीडिया वाले गलत बोलते हैं पिताजी के बारे में, यही मैं कहना चाहूँगी। तो आपको क्या लगता है अगर गुरुजी समाज में वापस आ जाते हैं, गुरुजी आ जाते हैं अगर, तो किस तरह का यहाँ पर रहेगा सब कुछ? मतलब कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा पड़ेगा। तो आप आगे भी ऐसी आती रहेंगी? हाँ, मैं हमेशा यहाँ पे आती रहूँगी। तो देखिए, यहाँ पर आने वाले छोटे छोटे बच्चों का भी यही कहना है कि आज भी यहाँ पर ये ऐसे आते हैं और आगे भी ऐसे आते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पर कभी कुछ ऐसा नहीं देखा जो आपत्तिजनक हो। तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई। थैंक यू सो मच।